अफगानिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर हुए एक्शन को लेकर चार देशों में उसके समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इस हमले की घटना के बाद भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में जमा हुए और उन्होंने दूतावास के सामने भारत के समर्थन में एक शांति रैली निकाली और भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने तिरंगा फहराया। साथ ही उन्होंने अलगाववादी सिखों की विनाशकारी गतिविधियों की भी निंदा की। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। हालांकि इस दौरान वहां पहुंचे कुछ अलगाववादी सिखों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए और अमेरिका के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गौरतलब है कि खालिस्तानी झंडे लहराते और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को बीते रविवार शाम उतारने की कोशिश की थी। वही घटना के बाद हिंसक उपद्रव के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। बहरहाल जहां एक तरफ खालिस्तानी समर्थक लगातार भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विदेशों में भी भारतीयों की एकता को दर्शाता ये वीडियो कहीं न कहीं उन सभी देश विरोधी ताकतों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है, जो लगातार कभी देश के अंदर तो कभी देश के बाहर देश को तोड़ने के लिए साजिशें लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।